गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है शबाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमर 99। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 4। मैंने आपको पार्ट 3 में खेलना सिखाया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग रेंज में शॉर्ट रेंज में कौन सी गन यूज़ की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, वेपन पर क्लिक करके हमें आर्मोरी में जाना है। पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग रेंज की। तो हमें रिफिल्स में जाने के बाद हमें पहले नंबर पर जो मिलती है वो है M4A1। तो वो दोस्तों ARMO आती है, इसकी ARMO इसमें लगती है। दोस्तों ये लॉन्ग रेंज में बहुत ही बढ़िया गन है, इसकी स्किन दमदार होनी चाहिए पीली वाली, जो आप स्टोर में से उसे देख सकते हैं। फिर हमारी दूसरे नंबर पर आती है AK-47। दोस्तों बहुत पॉपुलर गन है ये भी आपके लॉन्ग रेंज में ARMO में आती है, शामिल होती है। आप इसे यूज़ करके देख लो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। इसे बंदे बहुत जल्दी मरते हैं AK-47 से, तो आप इसे यूज़ करके देखना। और हमारी दूसरे नंबर पर आती है M14। दोस्तों M14 जो है ये भी बहुत बढ़िया गन है, ये लगातार नहीं चलती, लेकिन ARMO में है ये भी। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी खास नहीं है, इसे आप यूज़ मत ही करिएगा मेरे तरफ से, स्लो रेट है इसका थोड़ा। तो हमारी थर्ड नंबर पर आती है फोर्थ नंबर पर स्कार, जो कि दोस्तों बहुत पॉपुलर है। दोस्तों अगर आपके पास अगर इसकी स्किन हो तो आपके पास होनी चाहिए क्यूपिड स्कार। तो हमारी फोर्थ नंबर पर आती है ग्रोज़ा। दोस्तों ग्रोज़ा एक ऐसी गन है जो नई, बिल्कुल नई गन है, ARMO में आती है कि हमें ड्रॉप में मिलती है या फिर किसी की बाउंटी में मिलती है। दोस्तों हमारी जो फाइव नंबर पर आती है SKS। दोस्तों ये SKS है, बहुत बढ़िया गन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं AR के साथ। दोस्तों हमारे बस इतनी ही आपके लिए, बस एक गन और बची है, वो है फार्मास, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्रैगो और एक्समेट M60 सब लॉन्ग रेंज के दोस्तों रिफाइल्स में। SMG में दोस्तों UMP आपको मिल जाती है, MP5 भी है, शॉर्ट रेंज में काम आती है दोस्तों ये लॉन्ग रेंज में। MP40 जो दोस्तों वो आती है शॉर्ट रेंज में, जो कि बहुत पॉपुलर गन है शॉर्ट रेंज की किंग है ये। अब आते हैं शॉटगन में, शॉटगन ये भी दोस्तों शॉर्ट रेंज में काम आती है, ये शॉर्ट M10-14 और ये S-12, ये भी बहुत काम आती है। और सबसे डेंजर है ये, जिसे लोग घोड़ा कहते हैं, M-18-87 स्नाइपर में। दोस्तों ये स्नाइपिंग में हमारी AWM है, Kar-98 के है, MF2 भी है, ये दोस्तों स्नाइपिंग के लिए काम आती हैं। पिस्टल में आप दे सकते हैं USP-87 है, G3 है, M-18-73 है, M500 है, ट्रीटमेंट है। अब मेले में हमें पेन मिल जाता है, पैरिंग मिल जाता है, बैट मिल जाता है, कटाना मिल जाता है। दोस्तों शॉर्ट रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज की है, रिफाइल में आप जितनी भी देखेंगे वो लॉन्ग रेंज की है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका मैं पार्ट 5 में आपके लिए लाने वाला हूँ। चलिए आज के लिए बस इतनी, चलिए टेक केयर।